इस बार 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस मौके पर अगर आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाकर उनके दर्शन और पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो यहां आपको झारखंड के विश्व प्रसिद्ध बंसीधर मंदिर के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस मंदिर का इतिहास काफी रोचक और मुगल काल से भी जुड़ा हुआ है। झारखंड के गढ़वा जिले के श्री बंसीधर नगर में स्थित श्री बंसीधर मंदिर एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस मंदिर में 32 मन यानी 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ वाराणसी से मंगाया गया अष्टधातु का मां राधिका की प्रतिमा स्थापित की गई है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के संगम स्थल पर श्री बंसीधर मंदिर बांकी नदी के किनारे अवस्थित है। श्री कृष्ण की यह प्रतिमा जमीन से करीब 5 फीट गड़े शेषनाग के फन पर निर्मित 24 पंखुड़ियों वाले विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है। बंसीधर मंदिर के पुजारी स्वर्गीय रिद्धेश्वर तिवारी के द्वारा मंदिर के गुम्बद पर लिखित इतिहास के अनुसार 1885 में श्री कृष्ण की अनन्य भक्त लगरगढ़ के महाराज स्वर्गीय भवानी सिंह की विधवा रानी शिवमानी देवी श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने रानी के स्वप्न में आकर दर्शन दिए तथा रानी के आग्रह पर नगर उठाई लाने की अनुमति दी। रात में देखे स्वप्न के अनुसार रानी अपने लव लश्कर के साथ करीब 20 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के दुद्दी थाना क्षेत्र के शिव पहाड़ी नामक पहाड़ी पर पहुंची और स्वयं फावड़ा चलाकर खुदाई कार्य शुभारंभ किया। रात्रि में स्वप्न में आए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा खुदाई में प्राप्त हुई। खुदाई में प्राप्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को हाथी से नगर उतारी लाया गया। नगरगढ़ के सिंह दरवाजे पर हाथी बैठ गया। लाख प्रयत्न के बावजूद हाथी नहीं उठा। रानी ने राजपुरोहितों से राय मशवरा किया और वहीं प्रतिमा रखकर पूजन कार्य प्रारंभ कराया। प्रतिमा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की थी, इसलिए वाराणसी से श्री राधा रानी की अष्टधातु की प्रतिमा बनवाकर मंगवाया गया और उसे मंदिर में श्री कृष्ण के साथ स्थापित कराया गया। मराठा शासकों ने बनवाई थी श्री कृष्ण की प्रतिमा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि यह प्रतिमा मराठा शासकों के द्वारा बनवाई गई होगी। उन्होंने वैष्णव धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया था और मूर्तियां भी बनवाई थी। मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए मराठाओं ने इस प्रतिमा को शिव पहाड़ी नामक पहाड़ी के अंदर छिपा दिया होगा। हर साल की तरह इस साल भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर श्री बंसीधर नगर में कान्हा का जन्म धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। यहां जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कथा, पूजा और आरती का काम चलेगा। वहीं अक्टूबर नवंबर माह में श्री बंसीधर नगर में श्री बंसीधर महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा।